अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मिशन सीटेट, और ये हमारी सीरीज चल रही है मिशन इंग्लिश ग्रामर। आज का दोस्तों ये चौथा वीडियो है हमारी इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर, और आज हम इसमें सीखने वाले हैं योर एंड योर्स, माय माइन, आवर आवर्स, डियर डियर्स, हर हर्स एंड हिज। इन अल्फाज के अंदर क्या फ़र्क है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इनके अंदर जो फ़र्क है ये जानने से पहले इनके उर्दू में माना क्या है हम सबसे पहले ये देख लेंगे। यू तो हमको पता है, यू मीन्स तुम आप, और योर इसी तरह से तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं योर। अब हम देखते हैं दोस्तों योर और योर्स में क्या फ़र्क है। तो मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखा है, दो जुमले लिखा है मैंने। सबसे पहला जुमला है दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर। योर मतलब वहाँ पर हाउस में आ जाएगा बुक, क्योंकि वहाँ पर बात वर्ड लिखा है बुक, लेकिन वो हिडन रहेगा, छुपा रहेगा। अगर उसी वर्ड को हम छुपा ना रखने के लिए सोचें तो हमको यहाँ पर लिखना होगा दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। इसी तरह से हमारी उर्दू में माने निकलेंगे ये मेरी किताब है और वो आपकी किताब है। जो आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर, ये मेरी किताब है और वो आपकी किताब है। अगर हम दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे हम, दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। अब यहाँ पर हमको बात समझ में आती है कि बात क्या कही जा रही है, ये मेरी बुक है वो और वो आपकी। तो हमको यहाँ पर इस बात को अगर ना लिखना है, अगर इस बात को हमको यहाँ ना लिखना है तो हम यहाँ पर योर को बस ऐसे लगा देंगे, बात कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी किताब है और वो आपकी, आपकी मतलब आपकी किताब है, वो छुपे हुए जुमलों मानों में आप समझ सकते हैं। इसी तरह से सेम इसी तरह से माय और माइन, माय और माइन। माय की मीनिंग देखते हैं, माय मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। दीज आर माय बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। आगे बढ़ेंगे हम, दिस इज़ योर बुक। अब यहाँ पर हम इस जुमले को देखेंगे दोस्तों, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक एंड दैट इज़ माई बुक। ये तुम्हारी किताब है और वो मेरी किताब है, वो मेरी किताब है। अब हमको यहाँ पर इतना लंबा सेंटेंस बोलना नहीं है, ठीक है, वो मेरी किताब है इतना बोलना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपली इतना कह देंगे दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ माइन, वो आपकी किताब है और ये मेरी, मतलब यहाँ पर ये मेरी किताब है। हम यहाँ पर माना आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आवर एंड आवर्स। सबसे पहले हम आवर के माना देखेंगे। आवर मीन्स हमारा, यहाँ पर मीनिंग, ठीक है। आवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। अभी हमारा माना जुमले के हिसाब से तब्दील होगा। हमारी कब इस्तेमाल करेंगे, हमारे कब इस्तेमाल करेंगे, हमारा कब इस्तेमाल करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर किताब है, ये हमारी किताब है, ठीक है। और घर है, ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर बुक, दिस इज़ आवर होम। ये इंग्लिश के अंदर जेंडर का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, ये हमारी उर्दू ज़बान में है हमारा, हमारी, हमारे, लेकिन इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आवर। आगे बढ़ते हैं, अब आवर में और आवर्स में क्या फ़र्क है ये देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर दो जुमले लिखा है, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ आवर बुक। यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी बुक है और ये हमारी बुक है, ठीक है। अब अगर हम इस बात को बस शॉर्ट में कहना है, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ माइन, हमारी है और ये हमारी है, वो किताब आपकी है और ये हमारी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, सॉरी, डियर एंड डियर्स। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम माने देखेंगे डियर के माने क्या हैं, ठीक है। डियर मीन्स उनका या उनकी या उनके, आप जुमले के हिसाब से माना समझ सकते हैं, उनका, उनकी, उनके। दिस इज़ डियर होम, ये उनका घर है। दिस इज़ डियर बुक, ये उनकी किताब है। हमारे उर्दू ज़ुबान में किताब मुज़क्कर समझी जाती है, सॉरी मोनस, उर्दू ज़ुबान में किताब मोनस समझी जाती है और घर मुज़क्कर समझा जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। तो इंग्लिश में
होम के लिए भी वही वर्ड यूज़ होगा और किताब के लिए भी वही वर्ड यूज़ होगा बुक के लिए, लेकिन उर्दू में बुक मोनस मानी जाती है और घर मुज़क्कर माना जाता है, लेकिन इंग्लिश में वही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा है, दिस इज़ योर बुक एंड दिस इज़ आवर बुक, ये आपकी है और ये हमारी है, ये आपकी किताब है और ये किताब हमारी है। तो ये दिस इज़ डियर बुक, ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये ब्रैकेट में अगर हमको नहीं लिखना है तब हम सिंपली ऐसा वाला जुमला हम लिख सकते हैं, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ देयर्स, ये उनकी किताब है और वो उनकी किताब है, उनकी किताब है बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको, जिस तरह से यहाँ पर हमारा उर्दू में जुमला है, वो आपकी किताब है और ये उनकी, ठीक है, वो आपकी किताब है और ये उनकी, उनकी मतलब उनकी किताब। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, हर एंड हर्स, हर एंड हर्स, हर्स हर के माने देखेंगे सबसे पहले हम, हर सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और उसका उर्दू माना उसको या उसका, उसको या उसका। अब हमको यहाँ पर उसका के माने कब निकलते हैं और उसको के माने कब निकलते हैं वो देखेंगे, उससे पहले हम हर एंड हर्स के माने देख लेंगे और वो बाकी वाले मीनिंग अभी आगे देखते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक जुमला लिखा है, दैट इज़ योर बुक, यहाँ पर दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ हर बुक, वो तुम्हारी बुक है और वो उसकी बुक है, उसकी मतलब उस लड़की की किताब है, वो तुम्हारी किताब है और ये इसकी किताब है, मतलब ये लड़की की किताब है क्योंकि हर हर्स, ठीक है, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और उर्दू मानस क्या है, उसको, हर मीन्स उसको या फिर उसका। अगला जुमला देखेंगे हम, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ हर्स, वो तुम्हारी बुक है और ये इसकी है, इसकी है, इसकी भी बोल दे तो काम चलेगा, वो तुम्हारी किताब है और ये इसकी, माना पूरे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश ज़ुबान में एक थोड़ी सी फीमेल्स के लिए नाइंसाफ़ी की गई है, इंग्लिश ज़ुबान में फीमेल्स के लिए नाइंसाफ़ी की गई है, वो कैसे, इस तरह से देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे हिज़ और हिम, इन दोनों के माने देखेंगे और उसमें फ़र्क देखेंगे, ठीक है। हिज़ के माने उसका, हिज़ के माने हैं उसका। यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ हिज़ बुक, वो तुम्हारी किताब है और ये उसकी किताब है, मतलब लड़के की किताब है, ठीक है, और उसकी किताब है, उसकी किताब है, उतनी लंबी बात हमको कहना नहीं है, बट इन शॉर्ट कहना है हमको, छोटे से सेंटेंस के अंदर कह देना है। तो यहाँ पर इस तरह से जुमला हम बोल सकते हैं, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ हिज़, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ हिज़, वो आपकी किताब है और ये इसकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिम, अभी हमने देखा माना हिज़ के, अभी हमने हिज़ के माना देखा, अब हम हिम के माना देखेंगे, ठीक है, हिम। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हम इन शॉर्ट एक और चीज़ देख लेते हैं, हर और हिम और हिज़, इन तीनों अल्फाज का हम फ़र्क देखेंगे। यहाँ पर ये तीन वर्ड्स हैं, हिम, सबसे पहले हम हिज़ के हिम और हिज़ के माना देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमने देखा हिम उसका, सॉरी उसको, हिम मीन्स उसको, ये किताब बराए मेहरबानी ये किताब उसको दो, प्लीज़ प्लीज़ गिव दिस बुक टू हिम, प्लीज़ गिव दिस बुक टू, बराए मेहरबानी ये किताब उसको दो, उसको, हिम मीन्स उसको। इसी तरह से हिज के माना देखते हैं हम, हिज मीन्स उसका, उसका, इट इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बाइक, ठीक है, ये उसकी बाइक है, दिस बुक इज़ हिज, दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। यहाँ पर हिम के माना उसको और हिज के माना उसकी या उसका या उसके। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हर,
अभी जिस तरह से मैंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेडीज़ के साथ एक नाइंसाफी की गई है, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों वर्ड्स की माने एक ही हैं। आप उसको कह लीजिए, हर हर वर्ड ही यूज़ होगा, और इसी तरह से उसका कह लीजिए, वही माना है, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जुमले लिखे हैं, एक एक से देखेंगे हम। प्लीज़ गिव दिस बुक टू हर, मतलब बराए मेहरबानी ये किताब उसको दो। दिस इज़ हर बुक, दिस इज़ हर बुक, ये किताब उसकी है, मतलब यहाँ पर उसको और उसकी, इन दोनों अल्फाज को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।